दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आज के इस न्यूज में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें जो कि 17 मई की है। तो यहाँ पर देखिए हेडलाइन में शासकीय महाविद्यालयों में जो उत्तर पुस्तिका जांच कराएंगे, तो लगभग यहाँ पर वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई है, कुछ बाकी हो सकती है, लेकिन देखिए यहाँ पर तो अगर स्टाफ की कमी है तो सरकारी कॉलेजों में भी यहाँ पर उत्तर पुस्तिका की जांच होगी, कहाँ की है ये देखेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई नए शिक्षा सत्र से 4 साल की हो सकती है, तो क्या है इसको डिटेल में देखेंगे। और अभी नैक मूल्यांकन चालू है कॉलेजों का, तो उसमें बहुत सारे जो है कॉलेज जो है इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कई जो कॉलेजों में नैक मूल्यांकन होगा ही नहीं, तो ये क्या है सब डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पर जो है 4 एकलव्य आवासीय जो विद्यालय है वहाँ पर कृषि और वाणिज्य की पढ़ाई भी होगी, तो कहाँ की बात है ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लोग पहली खबर लेते हैं, तो ये है जांजगीर से। तो कॉलेजों में वार्षिक परीक्षा अब अपने अंतिम चरण पर पहुँच गई है, तो शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित परीक्षा में सभी विषयों की परीक्षा हो चुकी है। परीक्षा के साथ ही कॉलेजों में उत्तर पुस्तिका जमा हो रही है। टाइम टेबल के हिसाब से बीएड के पहले एवं दूसरे साल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा पूरी कर 9 मई तक कॉलेज में उत्तर पुस्तिका जमा करनी है, मतलब वार्षिक परीक्षा 3 दिन बाद समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने मूल्यांकन को लेकर कॉलेजों में परिनियम 28 का पालन करने कहा है, मतलब जिन कॉलेजों में वहाँ मौजूद विषयों के प्रोफेसर नहीं है वे आसपास के शासकीय कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर से उत्तर पुस्तिका चेक करवाएंगे। जिले में ऐसे लगभग 38 कॉलेज हैं जिनमें नियमित प्रोफेसर नहीं है, वे अब दूसरे शासकीय कॉलेज प्रोफेसर से कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के आंसर शीट चेक करने भेजेंगे। उत्तर पुस्तिका जमा करने की अंतिम तारीख आ गई है, पर अधिकांश स्टूडेंट ने अभी तक कॉलेज में उत्तर पुस्तिका जमा नहीं की है। गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य दिलीप शुक्ला ने बताया कि कई विद्यार्थी शादी में शामिल होने चले गए थे और भी विद्यार्थियों के कई कारण हैं, इसके चलते भी अभी तक उत्तर पुस्तिकाएं जमा ली जा रही है। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं, रायगढ़ से है। तो कॉलेज का नया शैक्षणिक सत्र की शुरुआत जून से होगी। सारे संकायों के सिलेबस को बदलने की तैयारी चल रही है। नए शिक्षा नीति के एजेंडे के अनुसार तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय अध्ययन मंडल की स्थापना की गई है। फिजिक्स के प्रोफेसर ए.के. पानीग्राही ने बताया कि ग्रेजुएशन नई शिक्षा नीति में 4 साल का हो जाएगा। पहला सर्टिफिकेट कोर्स होगा, वही दूसरे साल डिप्लोमा और तीसरे साल में अंडर ग्रेजुएशन विथ डिग्री और चौथे साल में डिग्री विथ रिसर्च होगा। हालांकि इसे अगले सत्र से लागू किया जाना है या नहीं ये अभी सरकार को तय करना है, लेकिन आने वाले सालों में इसे कभी न कभी लागू करना ही पड़ेगा। साइंस के सिलेबस में कुछ खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। पहले जो कोर्स तीसरे वर्ष में था उसे दूसरे या पहले वर्ष में शामिल किया जा सकता है। एक संकाय का छात्र दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकेगा, इसका फ्रेम बनाकर UGC जारी किया है, उसी के आधार पर इसे तैयार करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स को बदला जाएगा। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं, तो भिलाई से है। दुर्ग जिले में संचालित 19 शासकीय कॉलेजों में से 8 महाविद्यालय नैक मूल्यांकन की पात्रता ही नहीं रखते, क्योंकि इन महाविद्यालयों को शुरू हुए अभी 5 साल नहीं हुए हैं। साथ ही यहां अधोरचना और स्टाफ की भी कमी है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का अपना भवन नहीं है, न ही खुद की अध्ययनशाला है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की अपनी जमीन नहीं है। कामधेनु विश्वविद्यालय में छात्रों को मिलने वाली सुविधा का अभाव है। वेटरनरी काउंसलिंग में यहाँ 59वां नंबर पर है। जिले में सिर्फ 11 कॉलेज ही मूल्यांकन के योग्य माने गए हैं। और देखिए यहाँ पर जो है 19 सरकारी कॉलेजों में से सिर्फ 11 ही पात्र है, जहाँ अभी भी नैक मूल्यांकन चल रहा है। तो बाद में इसका रिजल्ट आएगा कि कौन कौन से कॉलेज इसमें पात्र पाए गए और क्या उनका जो है मूल्यांकन नैक रिजल्ट क्या है, रैंक कौन सा है, या बाद में पता चलेगा। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं, जसपुर नगर से। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अब कृषि और वाणिज्य की भी पढ़ाई होगी। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों से मिले फीडबैक के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। अभी फिलहाल इन
स्कूलों में केवल विज्ञान और गणित की पढ़ाई हो रही है, तो 4 एकलव्य आवासीय विद्यालय में कृषि और वाणिज्य की पढ़ाई जो है नए सत्र में यहाँ पर चालू हो जाएगी। तो यह था आज के डेट में छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबर। ये खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में।